I want to go back to school. No. I demand that this lockdown opens. पूरी क्लास में हम आए थे एक बार फर्स्ट तो मैम ने लेके भी गई थी घुमाना है अपने घर भी लेके गई थी। घर पे रहती हो तो क्या करती रहती हो? खेलते हैं। खेलते खेलते थक नहीं जाती हो? थक जाते हैं तो बैठ जाए। वो क्या बना हुआ है दीवार पे? कब तक आते थे ट्यूशन? नीचे घास उगाई है क्या? घास पानी से घास उगाई है। क्या क्या पढ़ाते थे वो? ABCD फिर क खा फिर गिनती फिर क का मंत्र फिर अंग्रेजी हिंदी सब पढ़ते थे। सबसे अच्छा क्या लगता था? प ख ABCD पहचानी? प बताओ प के बाद क्या आता है? याद करो। तुम्हें याद है प के बाद क्या आता है? ब। To find that out of 36 children at the primary level, enrolled at the primary level, 30 were not able to read a single word. I mean, that was really shocking. Once you are able to read and write and you've reached higher levels, then you could fall behind a little bit, but you'll still be able to continue progressing. And once you are able to read and write, you can educate yourself quite a lot. But even if you've not learned the basics, and then you are now left behind because you've been promoted to the next class, when actually you're now below that, then it's like as good as dropping out. वो लोग भी ट्यूशन तो नहीं जा रही हैं। ट्यूशन तो सिर्फ ये क्या हो रहा है? तो राधिका ये लो, इसको खोलो। और क्या बनाना सीखा फूल के अलावा? फूल के अलावा बस फूल ही अभी सीखा। तो अभी जा रही हो स्कूल के बारे में क्या जानना है? ये बताओ
अर्ली ईयर्स में हम कहते हैं कि यू नो अपनी बात आप कह पाओ, अपनी बात दर्शा पाओ ड्राइंग के थ्रू किसी भी तरह से, वो बहुत चुपचाप लगी मुझे. अगर मैं मनोवैज्ञानिक असर की बात करूं या राधिका इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचती होगी, ये देखना ना कि भैया को या भाई, छोटा भाई है, उसको ट्यूशन मिल रहा है, तो ये तो क्लियर है उसको कि कुछ चीज़ें मेरे भाई को मिलेंगी जो मुझे नहीं मिलेंगी, और मेरे पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं. तो मेरे आत्मविश्वास पर या मेरे चॉइस करने के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा वो हम नहीं जानते. सब ज़्यादा क्या मन करता है करने का? पढ़ाई. लाइफ तो ऐसी है. ये बाटी नहीं, मेरे कपड़े. पापा गंदा पसंद नहीं है ना, तो कॉपी रखी थी एक बार, तो हम चले गए थे वहाँ वॉशरूम करने, तो पापा ने सारी बेच दी कबाड़ी वाले को. तो माँ के तुमने कुछ कहा पापा को? नहीं, मम्मी ने मना कर दिया कि मत कहें. लड़ाई नहीं की तुमने पापा से कि आपने ऐसे मेरी किताबें बेच दी? मैं पढ़ूंगी कैसे? मारते थे. छोटी भी आठवीं कर पाई, ये भी आठवीं. अभी मेरा मन ही दोनों पढ़े ढंग से, अच्छे से पढ़ लें दोनों. पढ़े लड़के भी दोनों कह रहे मम्मी दोनों पढ़ा लो ढंग से. अभी भी कर सकती हो? नहीं ठीक है. और ये एडिशन है. ले, ए, पर, पैर, मत, रख, बे, दे, आ, या, आ, बताया. क्या करते थे घर में? ऐसे खेलते कूदते रहते थे. ये तो दीदी के घर चले जाते थे, सामने वाली दीदी के, वहीं फोन चला लेते, वहीं सो जाते थे कभी कभार. तो ऐसे खेलते. फोन में वो मूवी चलाती खुद की, तो देखते देखते सो जा मैं. स्कूल खुल जाए बस. क्यों? स्कूल में पढ़ाई करने में भी बहुत मजा आता था. मैडम भी खेल खिलाती थी और भी गार्डन में भेजती थी खेलने के लिए. पापा ने ऐसा क्यों किया अब हमें नहीं पता, पर उसका क्या गहरा असर पड़ा होगा हिमानी पे. मतलब एडुकेशन की वैल्यू, एक तरीके से आप वो किताबें बेच के आ गए, और ऑब्वियसली हिमानी बहुत दुखी थी इस बात से. बट हमारे ही घरों में मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एकदम सर्वाइवर होते हैं, तो कभी कभी जो चीज़ आपको और मुझे बहुत मुश्किल लग रही है वो उसको एज अ चैलेंज में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर मैं आगे चल के और पढ़ी ना, अगले बार मेरे पापा ऐसा नहीं कर पाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर बिकम्स इम्पेरेटिव, मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे बच्चे सक्सीड हो जाएं. हिमानी के केस में अगर हम ऐसा करें, पढ़ने के स्तर से शुरू करें जहाँ पर वो है, तो मुझे लगता है उसके लिए, इस जैसी लड़की के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी ब्राइट थी, अभी भी ब्राइट है. क्या
Saturday of the week. I get pizza every Saturday. Complete sentence. Yeah, even question number C. Got it, everyone? You can call it. Ma'am, my dad won't come. How is having classes online? Good but bad. Good because I can wake up at 7:45 and also sit in my class. And bad that I have to join, not go. And that's the problem. मेरे पास एक वो डॉल थी और वो उसके नाम मुझे नहीं याद आ रही है. उसका नाम कुछ सिंथिया था कुछ. और मैं उसके साथ खेलती थी क्योंकि मेरे दोस्त नहीं आते थे. मैं उसके साथ खेलती थी क्योंकि वो बोल सकती थी. जब मैंने बोला हेलो, उसने बोला हेलो. Hola, Prithvira. Buenas tardes. Buenas tardes, ma'am. Did you even teach us a belt? I know it, but I'm going to try and say while I'm on mute and let's see if you can read my lips. Now you will make your own drawing. टीचर तो रोज़ उसको दिखती है कंप्यूटर पे, तो फिर वो उसको क्यों मिस करती है ना. तो इसका मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन का एक मूल्य है जो रिप्लेस नहीं हो सकता है. वो जाके गले लगाना चाह रही है टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को. वो जो एक सोशल सेटअप है जिसको हम तो उसको सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट. इसलिए वो कह रही है कि मुझे वापस स्कूल जाना है. और दूसरा इम्पैक्ट जो मुझे तो क्लियरली दिखा था आपके इंटरव्यू से कि वो भी एकदम बड़ों के जैसे फटाफट बात करती है. ऑलमोस्ट जैसे बड़े बात करते वैसे ही वो भी बात करती है. ये तो एक तरीके से अच्छी बात है, मतलब मेरी इसकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है. पर मुझे लगता है जब वो स्कूल जाएगी ना, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना, वो अपने आप में एक नई चुनौती होगी जो आई एम श्योर पृथ्वीरा मतलब इन्जॉय करेगी. Toast to the ones in the night. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Left. Two girls to the. एक पे कौन सा बना? ले. काय को ना? ये वजीत गई. माने करवा रहे.